सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगी कूलिंग मिस्ट। मैं टोनर यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अपनी फेस को बहुत ही डिहाइड्रेटेड फील कर रही थी, दैट्स वाई आई एम यूजिंग मिस्ट। और इसको अच्छे से मैं अपने स्किन में अब्जॉर्ब होने दूँगी, इसको पूरा ड्राई आउट होने दूँगी, देन फिर मैं ये मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। गार्नियर कंप्लीट लाइट मॉइस्चराइज़र आई एम यूजिंग। ये पता नहीं क्यों आजकल मुझे बहुत फेवरेट हो गया है, मैं आजकल मोस्टली इसको यूज़ कर रही हूँ। एंड अगर आप इसको लॉन्ग रन के लिए यूज़ करते हैं तो ये आपके डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करता है। इसको पूरे अच्छे से मैं अपने फेस पे मसाज कर लूँगी, पेनिट्रेट होने दूँगी। अपने नेक को भी मॉइस्चराइज करा करो जिससे आपका नेक और फेस इवन लगे। नाउ यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बीबी क्रीम, बिकॉज एज़ इट इज़ अ फ्रेंडशिप डे, कॉलेज यंग गर्ल्स के लिए मेकअप लुक हैगा, तो मैं ज़्यादा हैवी नहीं रखना चाह रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये नेचुरल कलर वाला है। ब्रश को आप डैबिंग मोशन में ही यूज़ करा करो, मेरी स्पीड में वीडियो चल रही है, बट आप आराम से टेक योर टाइम, आराम से फाउंडेशन हो, बीबी क्रीम हो। इसको अच्छे से ब्लेंड करो, जितना आप ब्लेंड करोगे उतना आपका फ्लॉलेस मेकअप आएगा, उतना आपका मेकअप एनहेंस होगा जितना आप इसको ब्लेंड करेंगे। उसके बाद मैं इस बीबी क्रीम को सेट कर रही हूँ मेबलिन के कॉम्पैक्ट पाउडर से, जिससे मेरी आईज पे क्रीज नहीं हो, केकी लुक नहीं आए, इसलिए मैं इसको हल्का सा सेट कर लूँगी, ज़्यादा सेट नहीं करूँगी बिकॉज ऑलरेडी आई हैव अ ड्राई स्किन, तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पर आप आपके पास जो भी आई शेडो आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पहले मैं अपने क्रीज पे ये कॉपर ब्राउन कलर को क्रीज को बिल्ड करूँगी अच्छे से, उसके बाद मैं ये डार्क ब्लैक कलर ले रही हूँ, इसको मैं अपने सेंटर ऑफ द लिड पे डिपोजिट करूँगी। पर मैं जब इसको लगा रही थी तो ये उतना अच्छे से एनहेंस नहीं हो रहा था ब्लैक कलर, तो अभी मैं इसको फिंगर की हेल्प से भी करूंगी। अभी मैंने इनर ऑफ माय आईज लगाया हैगा पिंक कलर। अभी ये थोड़ा सा मैसी लग रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको जब ब्लेंड करते रहूंगी कॉपर कलर, ब्लैक कलर, पिंक कलर को, धीरे धीरे ये बिल्डअप होते जाएगा। मैं स्लोली, टेक योर टाइम फॉर फाउंडेशन एंड आई मेकअप के लिए, जितना आप ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा एनहेंस होगा। नाउ आई एम यूजिंग यर एनवाई बेकर काजल। ये एनवाई बेकर काजल काफ़ी अफोर्डेबल है, 60-62 रुपीज़ का आता है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग हैगा ये काजल, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता हैगा। ये पिंक कलर आई शेडो से मैं अपने काजल को सेट कर लूँगी, इससे बहुत ही नाइस लुक आता हैगा। नाउ आई एम यूजिंग मेबलिन का मस्कारा। ये मस्कारा लगाने से आपकी आंखें बहुत अच्छे से एनहेंस होती है, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी दिखने लग जाती है। अब मैं ऑफ कैमरा जाकर इसको अपनी सेकेंड आई को भी कंप्लीट कर लूँगी, अदरवाइज ये मेरा टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए मैंने ऑफ कैमरा कर लिया है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एलेटीन का, इसका शेड नंबर मुझे अभी एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। 100 रुपीज़ की एलेटीन आती है, लेकिन ये मैट लिपस्टिक है, बट उतना ये थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में आएगी, मुझे क्रीमी टेक्सचर इतना पसंद नहीं आता है, आजकल इतना ट्रेंड में चल भी नहीं रहा है। अब मैं ये ट्रिक यूज़ करती हूँ, टिश्यू पेपर लेकर इसको डैबिंग करती हूँ, जिससे उसका जो ऊपर का जो शाइन होता है ना वो निकल जाता है, और उसके बाद ये पूरा मैटिफाई लुक हो जाता है और काफ़ी लॉन्ग लास्ट रहती है ये 6-7 आवर्स के लिए। If you liked my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Till then, take care of yourself. Bye-bye.